अब इसके पहले हमने आपका पेंटागॉन देखा था। पेंटागॉन वृत्त के अंदर बनता है और वृत्त के बाहर बनता है, दोनों मेथड हमने आपको इसके पहले बताई थी। अब आपको उसमें ये ध्यान रखना है, अगर पेंटागॉन वृत्त के अंदर बनता है तो वृत्त के अंदर बनाने के लिए आपको लाइनों के 5 बराबर भाग करते बनना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका अगर वृत्त के बाहर की हम बात करते हैं तो वृत्त के बाहर के भाग के लिए आपको टेंजेंट स्पर्श रेखा बहुत ही अच्छे तरीके से बनना चाहिए बनाना। उसके बाद आपको फिर 36 डिग्री का एंगल कैसे बनता है और आपको प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट करना है। उसके बाद आपको उसको सही तरीके से उसके बराबर भाग करने हैं, इतना आपको बनना चाहिए। अब अपन अगले ड्राइंग देखते हैं आपकी हेक्सागोन। अब हम आ जाते हैं षडभुज की तरफ। षडभुज कैसे बनाएं? षडभुज बनाने की भी 3-4 मेथड हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड हैं, आपके एग्जाम में आती हैं, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्या बनेगा इसका देख लीजिए। आप क्वेश्चन लिखिए आप इसका, 50 mm भुजा वाला एक षडभुज बनाइए। यह आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसमें मेथड का नाम नहीं बताया है, लेकिन हम इसको प्रोट्रैक्टर मेथड चांदी की विधि से बनाकर देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ये मालूम है कि हमने हेक्सागोन के लिए वो 2n-4 वाला जो क्वेश्चन लगाया था उसके हिसाब से हम चले थे, तो एक इंटरनल एंगल का टोटल 120 डिग्री आया था, वो हमने बताया था आपको, याद होगा शायद। तो ये इसको बेस पे आगे बढ़ेंगे। एक भुजा आपको बोला है, वो भुजा आपको कितनी होनी चाहिए इसकी, 50 mm की। तो ये भुजा आपकी हो गई ए बी, 50 mm हो गया आपका भुजा ये। उसके बाद आप यहाँ पे एंगल बनाएंगे 120 डिग्री का, यहाँ से ऐसा ये 120 डिग्री। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जितना आपने ए बी नापा है यहाँ पे कट कर देंगे इसको, आप इस तरीके से ये कट कर दिया आपने। अब आप यहाँ रखेंगे प्रोटेक्टर अपना चांदा, और इस पॉइंट को सेंटर लेके यहाँ की तरफ आप ये एंगल और ड्रॉ करेंगे 120 डिग्री का इस तरीके से। उसके बाद जितना भाग ये था उसको लेके यहाँ कट करेंगे आप ये ऐसा। अब आप अगेन यहाँ रखेंगे प्रोटेक्टर अपना चांदे को, इसको सेंटर मानते हुए आप एक बार और ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। फिर जितना ये था उतना आप फिर यहाँ कट करेंगे तो आपको एक कट और मिलेगा यहाँ से ऐसे ही। उसके बाद फिर यहाँ पर सेंटर लेके आप 120 डिग्री का एंगल फिर आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जितना आपका ये था उतना फिर आप कट करते जाएंगे ऐसे आगे, ये आपने कट किया। उसके बाद आप अगर यहाँ पर रख के 120 डिग्री का एंगल बनाते भी हैं तो भी ये इसी पॉइंट से होकर जाएगा, और अगर आपको नहीं बनाना है तो भी आप अगर डायरेक्ट बनाओगे तो भी आपका सही बनेगा। इस तरीके से हर एक एंगल ये जो है आपका 120 डिग्री का आ चुका है, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर मेथड चांदा विधि। तो इस तरीके से आपके प्रोटेक्टर मेथड कंप्लीट होती है।